सामाजिक सुरक्षा विभाग की टीम के छापे में शुक्रवार को मरीज नगर स्थित एक अपार्टमेंट में देव व्यापार के अड्डे का खुलासा हुआ। बेलतरणी थाने में प्रकरण दर्ज कर अड्डा संचालिका को गिरफ्तार किया गया। संचालिका के कब्जे से तीन महिलाओं को मुक्त कराया गया है। आरोपी प्रियंका सैयद मरीज नगर स्थित दिलीप रेजिडेंसी फ्लैट नंबर 401 निवासी है। सामाजिक सुरक्षा विभाग को कुछ दिन पहले गुप्त जानकारी मिली थी कि प्रियंका अपने फ्लैट से देह व्यापार संचालित करती है। विभाग ने इसकी पुष्टि होने के बाद योजना बनाई और तय योजना के तहत घटना वाले दिन फर्जी ग्राहक प्रियंका के फ्लैट में भेजा। मौज मस्ती का सौदा पक्का होते ही फर्जी ग्राहक ने सादे लिबास में बाहर खड़ी पुलिस को कार्रवाई का संकेत दिया। संकेत मिलते ही पुलिस ने छापा मार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पुलिस ने तीन महिला को संचालिका के चंकुल से मुक्त करा है। पोलीस स्टेशन बेलतरोडी हद्दी मध्ये मनीष नगर येथे दिलीप रेसिडेंसी नावाच्या अपार्टमेंट मध्ये आरोपी प्रियंका शोएब सय्यद ही महिला काही दिवसांपासून किरायाने राहायला आली होती। आम्हाला ती गुप्त माहिती मिळाली होती की ती मुलींना पैशाचं जास्त पैशाचे लालच देऊन देह व्यवसाय करून घेते। त्यामार्फत आम्ही पूर्ण खात्री केली आणि काल दिनांक 9/7/21 रोजी बोगस पंटर पाठवून माननीय पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर भोसले यांच्या मार्गदर्शनामध्ये पिटा रेट कारवाई केली। तिथे आम्हाला तीन पीडित मुली सापडल्या, त्यांची आम्ही सुटका केली आणि आरोपी प्रियंका सय्यद यांच्या विरुद्ध पिटा ऍक्ट मार्फत बेलतोरडी गुना दाखल करण्यात आला। इस मामले में बेलतोरडी पुलिस ने आरोपी प्रियंका को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि प्रियंका फ्लैट में अकेली रहती है। उसका पति हैदराबाद में रहता है और कभी कभी वह नागपुर आता है। गत एक वर्ष से प्रियंका अपने फ्लैट में देह व्यापार का घिनौना काम करी थी। रिहायशी क्षेत्र में चल रहे इस घिनौने काम की अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को भनक तक नहीं थी। हालांकि प्रियंका के फ्लैट में रोज नए नए लोगों का आना जाना होने से कुछ लोगों को संदेह जरूर था, जिसकी जांच जारी है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे और अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।